बीते 19 फरवरी को पुलवामा में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि को लेकर आयोजित जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर बागमारा के कलियाबाद में राजनीतिक भी गर्माती दिख रही है। एक तरफ जहां एक पक्ष कलियाबाद थाने में लिखित शिकायत देकर देशद्रोही नारेबाजी में दोषी पर कार्रवाई करने की मांग कही है, वहीं दूसरा पक्ष को इस जुलूस में शामिल रहा है उनका यह मानना है कि देशद्रोही के नारे लगाने की बात पूरी तरह गलत है। जैसा कि वीडियो वायरल में देखा गया है कि यह भूल बस हुआ है, पर कुछ लोग इसे गलत तरीके से वीडियो एडिटिंग कर वायरल करने का काम किया है। साथ ही यह भी कहा कि मुस्लिम कमेटी लियाबाद के जिन सदस्यों का नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है, कलियाबाद में एक प्रकार के समाज सेवी की छवि है, जो हर समुदाय हर वर्ग का सेवा बढ़ चढ़ कर करते हैं, मगर कुछ विरोधी तत्वों का प्रयास है कि उनके छवि को बिगाड़ा जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बातें कही गई, वहीं वायरल वीडियो का सच को सामने लाने की भी बात कही गई। अगर किसी शरारती तत्वों का हाथ लियाबाद के सौधार बिगाड़ने का प्रयास इस जुलूस के दौरान हुआ था, तो उसे भी चिन्हित कर दंडित कार्रवाई करने का आग्रह प्रशासन से किया गया है। भूली में देशद्रोही क्रियाकलाप के लिए दोषी युवक को काफी मशक्कत के बाद जेल भेजने के लिए धनबाद जिला प्रशासन को धन्यवाद की भी बात कही गई। गलत व्यवहार के कारण वो निजी झगड़ा का फंसाने का प्रयास इसमें किया जा रहा, ये ऐसा अगर करता है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कल हम लोग रोड पर शक्ति प्रदर्शन, हजारों महिला हम लोग लेके बाले बच्चे रोड पर उतरेंगे, हम लोग का गिरफ्तारी करें या तो जान मार दे, हम लोग आने की प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग जब से होश है, जब से हिंदू मियाँ का हम लोग का झगड़ा नहीं हुआ है, नहीं होने देंगे हम लोग को पूरे संघ के लोग। हम लोग यह कमेटी हो, दुर्गा पूजा कमेटी हो, बजरंग दल है, हिंदू सेना, सभी लोग इसमें हम लोग अभी बैठे हुए हैं। कुछ अपराधी जो कि ये मुद्दा को गरमा रहा, वैसा हम लोग उसको होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग ये राजनीति वोट में ऐसा तुर होता है कि देश के बात उठाओ, हमसे था मतलब हमसे तू पर्सनली लड़ो, मैं देश के बात लाकर इसमें जब कर रहा, ये महासरासरी गलत चीज कर रहा। ये सभी जिंदाबाद को हम लोग कर रहे हैं, मैं कोई किसी को बताते या तो कोई घुसवा के ऐसा काम किया गलत, या कोई बच्चा से गलती लेगा, इसके लिए हिंदू मुस्लिम लोग दोनों अपना गलती का भी एहसास क्षमा कर रहे हैं। भाईचारा हम लोग को कभी बिगाड़ने नहीं लगाएगा। तो जहां हजारों की संख्या में लोग हैं और वैसे लोग का नाम इस केस में डाला जा रहा है, जिस लोगों को हम लोग अभी तक जानते हैं, लोयाबाद, बांसजोड़ा, गरेड़िया, सब सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा कमेटी को हो, चाहे आप यज्ञ कमेटी के लिए, या मैं एक सामाजिक संगठन से जो आता हूँ, जो मैं जहाँ तक इन व्यक्तियों को जानता हूँ, विगत कई वर्षों से छठ पूजा युवा संघ के बैनर तले मैं अब काम करता हूँ, और इन लोगों के द्वारा छठ पूजा में फल वितरण किया जाता है, रामनवमी में पगड़ी बनकर के मेरे साथ लाठी खेला जाता है, दुर्गा पूजा में गले में माँ का जय माता दी का पट्टा लेकर के विसर्जन की ओर चलता है, तो ऐसे व्यक्ति देशद्रोही नारा लगाए, ये असंभव है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों रिमर फैला? बस ये है कि ये दूसरे दल से आते हैं, मार्केट में दूसरे दल के भी लोग हैं, यहाँ पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, और एक दूसरे प्रतिपक्ष जो होता है, जो उसका अगेंस्ट पार्टी के लोग होते हैं, वो हमेशा अपने अगेंस्ट पार्टी के लोग को एक कहीं ना कहीं फंसाने का कृपा करते हैं। अगर इस तरह का जो अभी तक बात आया, जो संवाद गया हुआ है मार्केट में कि देशद्रोह का नारा लगा हुआ है, ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला है। हमारी भी उम्र हो चुकी है, काफ़ी दिनों से मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और जो अब तक इनका रोल रहा है, ऐसे व्यक्ति पर तो हम कतई विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा नारा लगा। इसी समाज से लोग वो लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आग्रह करना चाहेंगे उन लोगों से? हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह का अगर किसी के दिलो दिमाग में आता भी है बातें, जो देशद्रोह को पनपाने का काम करता है, वैसे किसी युवा के भी दिमाग में अगर आता है, तो हम उसमें राष्ट्रभक्ति भरने का काम करेंगे। ऐसे लोग जो अभी ऐसी मानसिकता लेकर के समाज में गलत संदेश दे दिए हैं, हम वैसे लोगों को चाहेंगे कि नहीं, इस संदेश को हम एकजुट होने का काम करें। अभी हमारा देश हमारे दुश्मन देश की ओर अग्रसर है बांधने के लिए, कि हम उसको चारों तरफ से कैसे बांधें, और हम अपने गांव में ही अगर इस तरह का संदेश दे करके लड़ जाएंगे, तो हम अपने अपने पाकिस्तान को या दूसरे देश को, हम अपने दुश्मन देश को कैसे संदेश दे पाएंगे? तो चाहे जिस दल के भी लोग हैं, जिस तरह का युवा है, जिन्होंने भी ऐसा काम किया है, वो हमारे साथ भी बैठ सकते हैं। समाज के जितने बुद्धिजीवी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके साथ भी बैठ करके विचार रख सकते हैं कि भाई अरे ऐसा हुआ है, अगर आपके बच्चे या हम लोगों के बीच में, हजारों की संख्या के बीच में अगर बात आई तो गलत है, और बात नहीं आई तो इस तरह का संदेश फैलाना महा गलत। और दूसरी एक बात और होती है कि वायरल में जैसे लोग चर्चाएं में है, मैं भी उस चर्चा को सुना हूं कि अगर ऐसी बातें आई है तो
बगल वाले लोग अगर कोई लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और दूसरे लोग लगा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, कहीं टैली करना, एक शब्द आना, इधर से जिंदाबाद आ गया, इधर से उस देश का नाम आ गया।